गुड मॉर्निंग क्लास 8 सब्जेक्ट आप लोग का हिंदी ग्रामर चैप्टर 5 के अंतर्गत हम बता रहे हैं आप लोग को शब्द भंडार। शब्द भंडार किसे कहते हैं इसके बारे में पहले जानिए। शब्द भाषा के सबसे छोटी स्वतंत्र एवं मर्तवान इकाई है। किसी भाषा की समृद्धता का मूल्यांकन उसके विशाल शब्द भंडार से ही होता है। हिंदी भाषा अपने समृद्ध शब्द भंडार के कारण संसार की समृद्ध एवं प्रभावशाली भाषाओं में गिनी जाती है। तो इससे आप लोग परिचित हैं और इस पाठ में अनेक प्रकार के शब्दों के बारे में जाने जो इस प्रकार है। शब्द भंडार के अंतर्गत आते हैं पर्यायवाची शब्द। इन्हें जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आँख, तो आँख को हम नयन, चक्षु, नेत्र के नाम से जानते हैं। नयन यानी कि सुंदर आँख है और आँख यानी सामान्य जन की आँख है। चक्षु यानी कि ज्ञान के चक्षु ईश्वर के दिव्य विशेष महात्मा बुद्ध के। नेत्र यानी दिव्य रूप के लिए यानी कि आँख के कई नाम होते हैं। और भी कुछ पर्यायवाची शब्द आप लोग बुक में इसमें दिया हुआ आप लोग याद करेंगे। जैसे अतिथि को हम मेहमान, पाहुना, आगंतुक, अभ्यागत के नामों से भी जानते हैं। दूसरा है विलोम शब्द यानी कि जो शब्द एक दूसरे का उल्टा है विपरीत अर्थ देते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सत्य, असत्य, दिन, रात। अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक अर्थात अनेक शब्द वाले। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्दों का समावेश है जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं जिनका प्रयोग प्रसंग और परिस्थितियों का अनुकूल किया जाता है। जैसे वो शब्द देखिए आम यानी कि आम को हम एक फल के नाम से जानते हैं और आम को हम सामान्य भी कहते हैं। चौथा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। भाषा में इसका प्रयोग उत्कृष्ट भाषा ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इनका प्रयोग द्वारा अपनी बात को संक्षिप्त शब्दों में कहने का हुनर आता है। इससे भाषा आकर्षक और प्रभावशाली बनती है। जैसे जो जन्म से अंधा हो तो उसे हम क्या कहते हैं एक शब्द है जन्मांध। आकाश में विचरण करने वालों को हम क्या कहते हैं नवचर। पांचवा श्रुति संबिनार्थक शब्द यानी कि जो शब्द पढ़ने और सुनने में एक समान प्रतीत होता है उसे हम श्रुति संबिनार्थक शब्द कहते हैं। लेकिन कुछ इसमें अर्थ में भिन्नता होती है। जैसे अवधि और अवधि यानी कि अवधि का अर्थ होता है समय और अवधि एक भाषा का नाम है। छठा है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द यानी कि हिंदी भाषा में एक ऐसे शब्द हैं जो एकार्थक प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। जैसे भवन का अर्थ होता है मकान तथा भुवन का अर्थ होता है संसार यानी उपयुक्त शब्द एकार्थक प्रतीत होते हुए भी अर्थ में भिन्नता रखते हैं। उसी तरह से और भी शब्द होते हैं जैसे अनिवार्य जिसके बिना काम संभव न हो और आवश्यक यानी कि जरूरी। तो ये आप लोग का चैप्टर 5 आप लोग इसका क्वेश्चन सर दिए हैं इसको बनाएंगे और याद करेंगे। शेष क्वेश्चन जो है बुक में आप लोग उसको बनाइएगा। ओके थैंक यू।